हेलो दोस्तों, मैं रविशु पांडे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 2016 बैच का हूं। और 2021 बैच के अपने साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मलाइजेशन के अफवाहों से मत डरिए, आप अपनी रनिंग पे फोकस करते रहें। और नॉर्मलाइजेशन में 2016 में मेरे भी कुछ नंबर कम हुए थे, लेकिन मैं आज आपके सामने सेलेक्ट हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन के अफवाहों से मत डरिए, अपने रनिंग पे फोकस करते रहिए। 2021 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहता हूँ, जो इस समय नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी परेशान हैं, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा खुद 2016 भर्ती में 109 क्वेश्चन सही थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उतने ही क्वेश्चन रहे, घटे नहीं, किसी का घटा भी, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं जगदीश त्रिपाठी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस 2016 बैच। मैं 2021 बैच के अभ्यर्थियों को यह बताना चाहूँगा कि सामान्यकरण के अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहें और अपनी रनिंग जारी रखें, रनिंग बिल्कुल बंद न करें। 117 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद मेरे 111 हुए थे। उसके बाद मेरे नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हुए, लेकिन फिर भी मैं चयनित हूँ। तो आप लोग अफवाहों से परेशान ना हो और रनिंग करते रहें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जिन विद्यार्थियों ने 2016 में एग्ज़ाम दिया था, जो कि सिलेक्टेड हैं 2016 में, तो उनकी मैं कुछ वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप जो नॉमिनाइज होने से घबरा रहे हैं, आपके नंबर, वो थोड़ी सी घबराहट आपकी कम हो जाए। आपको टेंशन फ्री करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड, आपने जो कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग।